गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग सीरीज़ जो चल रही है जैसे जो बीसीसी एग्ज़ाम का मैंने बताया कि मॉडल पेपर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये चौथा टेस्ट पेपर है, चौथा मॉडल पेपर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके भाई, कौन है? मरियम। 6:30 से पहले ख़त्म हो जाएगा, है ना। 100 क्वेश्चन है, जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 घंटे तो जाएगा ही मेरे ख्याल से, ठीक है। आंसर तो सिर्फ बता नहीं सकते, और भी अगर जानकारी जो होती है वो देनी पड़ती है ना, तो इसलिए टाइम लगता है। अगर आंसर डायरेक्ट बताते जाएंगे तो बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। तो लेकिन आप कह रहे हैं तो हम कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, फिजिक्स का इसके बाद ही होगा, ठीक है। चलिए, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, द ग्राउंडनट एंड पोटैटो क्रॉप्स प्रेफर। मूंगफली और आलू के लिए अच्छी भूमि कौन सी होती है? तो हैवी सॉइल दिया है जिसे कहते हैं भारी मृदा, ठीक। और लाइट सॉइल क्या है, हल्की मृदा, इसे हिंदी में कहेंगे हल्की मृदा। मीडियम मध्यम सॉइल है ना, मध्यम सॉइल। मध्यम मृदा का मतलब क्या है कि जिसमें क्ले भी बराबर हो, सैंड भी बराबर हो, है ना, या नन ऑफ द अबव। तो देखो जितनी, जैसे आलू है, अंडरग्राउंड वाली फसलें होती जिनका इकोनॉमिक पार्ट जो होता है अंडरग्राउंड होता है, तो उनमें जो फसल को ग्रो करते हैं तो किस सॉइल में करते हैं, लाइट सॉइल में करते हैं, हल्की मृदा में। जैसे जिसमें सैंड ज़्यादा हो, बालू ज़्यादा हो, है ना, जिसमें बालू ज़्यादा हो, तो क्या होता है मूंगफली इसलिए लाइट सॉइल में ग्रो की जाती है। क्योंकि देखो कई कारण होते हैं इसके। पहला तो कारण ये होता है कि उसकी पैगिंग स्टेज, इसमें आपने मूंगफली जब फसल पड़ी होगी तो इसमें पड़ी होगी पैगिंग। पैगिंग क्या होता है, पैग जो होता है, एक होता है गाइनोफोर होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, जो कि निकलता है रूट से निकलता है, इसे कहेंगे जो रूट और शूट के जोन से निकलता है, फिर ये सॉइल में इंटर करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है पैगिंग। तो पैग में ही मूंगफली बनती है ना। तो पैगिंग इसमें लाइट सॉइल में जिसमें बालू ज़्यादा होगी उसमें आसानी से हो जाती है। पहला कारण तो ये हो गया, है ना। हार्ड सॉइल, हैवी सॉइल में करेंगे तो अगर मॉइस्चर कम है तो जो सॉइल है वो सूख जाएगी, कड़क हो जाएगी, है ना, तो पैगिंग हो नहीं सकती है। और दूसरी चीज़ है हार्वेस्टिंग में आसानी होती है, इसे काटने में आसानी होती है, ठीक है। इसीलिए पैगिंग जो लाइट सॉइल है इसी में मूंगफली और आलू का जो है कंद जो आसानी से डेवलप होता है, किसमें, लाइट सॉइल में, साइज बड़ा रहता है, ठीक है। और इसके डिगिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगला सवाल, फादर ऑफ टिलेज कौन है? भूपरिष्करण के पिता। तो फादर ऑफ टिलेज किसको कहा जाता है भाई, जैथ्रो टुल को, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है, इसको भी याद रखना। और जैथ्रो टुल को फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ वीड साइंस। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो टिलेज के पिता कौन है या जीरो टिलेज शब्द किसने दिया, तो जीरो टिलेज जो शब्द है वो दिया था जीबी ट्रिपलेट ने, ये भी याद रखना, ठीक। टिलेज शब्द किसने दिया था या फादर ऑफ टिलेज कौन है, जैथ्रो टुल। अगर जीरो टिलेज पूछा जाए, शून्य भूपरिष्करण के पिता या शब्द किसने दिया, तो जीबी ट्रिपलेट। फादर ऑफ वीड साइंस किसको कहा जाता है, जैथ्रो टुल को। इन्होंने एक बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक। और आर्थर यंग जो है, इन्होंने इनकी एक बुक का नाम है जो कि बहुत फेमस है, आर्थर यंग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। रुको, अभी याद नहीं आ रही है, अभी बता देंगे, ठीक है, अभी याद नहीं आ रही, अभी बता देंगे। चलिए अगला देखते हैं, याद आएगा वैसे बता देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है, गुड स्ट्रक्चर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज। फसलों उत्पादन के लिए अच्छी मृदा कौन सी है? तो ग्रेनुलर दी है, क्रम दी है, ये भी दोनों दिया है। तो सबसे अच्छी जो होती है ग्रेनुलर और क्रम होती है, किसके लिए, फसल उत्पादन की। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेनुलर और क्रम। देखो ग्रेनुलर में क्या होती है, जो पोर्स की संख्या होती है बहुत कम होती है, और जो क्रम होती है उसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो क्रम होती है उसकी पोरोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी दोनों सही है, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या है, डिस्क हल का प्रयोग किया जाता है, डिस्क प्लाउ कैन बी यूज्ड इन नॉन स्टोनी सॉइल, ग्रासी लैंड, ए भी दोनों या नन ऑफ द अबव। तो दोनों सॉइल में ग्रो करते हैं, जहाँ पर ग्रासेस ज़्यादा होती हों, जिसे ग्रास लैंड कहते हैं, नॉन स्टोनी, यानी कि जहाँ पर स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह नहीं पाए जाते, उन्हीं सॉइल में क्या है, डिस्क हैरो का प्रयोग किया जाता है, डिस्क प्लाउ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट, एनिमल ड्रान। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एनिमल ड्रान क्या दिया है, एनिमल ड्रान मोल्ड बोर्ड प्लाऊ आल्सो कॉल्ड। पशु चलित मिट्टी पलट हल को क्या कहते हैं, विक्ट्री प्लाऊ, रिज प्लाऊ, रोटरी प्लाऊ या नन ऑफ द अबव। तो इसे क्या कहा जाता है, विक्ट्री हल कहा जाता है। किसको, विक्ट्री हल। तो कह सकते हैं ये पशु चलित हल है, पशु चलित मिट्टी पलट हल है, ठीक है, पशु चलित। हाँ याद आ गया, देखो एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो बुक है उसके राइटर कौन है? आर्थर यंग, आर्थर यंग, ठीक है, तो इसको याद रखना। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर के लेखक कौन है? आर्थर यंग। तो यही पुस्तक थी जो मैं बता रहा था, ठीक है। चलिए तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विक्ट्री हल। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? मोल्ड बोर्ड प्लाऊ वाज इन्वेंटेड बाय, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की जो है खोज किसने की थी? मिट्टी पलट हल, ठीक, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, एमबी, कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है एमबी प्लाऊ, है ना, तो याद रखना कैसे भी लिख के आ जा सकता है। तो क्या थे? विलियम एमोस जो कि इंग्लैंड के थे, दूसरा क्या दिया है? जेम्स स्मॉल स्कॉटलैंड, थॉमस जेफरसन यूएसए, ठीक है। तो इन्होंने जो है सबकी किसने डेवलप किया मोल्ड बोर्ड को? किसने डेवलप किया था? विलियम एमोस, जेम्स स्मॉल और थॉमस जेफरसन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है? सी ड्रिल एंड हॉर्स हो वर इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो सी ड्रिल और हॉर्स हो, है ना, की खोज किसने की थी? देखो अभी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बताया था मैंने, है ना, तो कौन है? जेथ्रो टोल। कौन है सर? जेथ्रो टोल। तो जीरो जो सी ड्रिल है उसकी खोज किसने की थी? जेथ्रो टोल ने की थी, ठीक है, जेथ्रो टोल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट टिलेज इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन इंडिया, भारत में मुख्यतः किस कृषि यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो कंट्री प्लाऊ है, कंट्री प्लाऊ, ठीक है, कौन सा है? कंट्री प्लाऊ, है ना। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल नेक्स्ट, सब सॉइलर वर्क्स अप टू अ डेप्थ, जो सब सॉइलर होता है वो कितनी गहराई तक कार्य करता है ना? तो इस सब सॉइलर का जो प्रयोग करते हैं, जैसे चिसेल प्लाऊ, है ना, जैसे चिसेल प्लाऊ, चिसेल हल, है ना, तो इसका जो प्रयोग है वो जो सॉइल सरफेस के लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर नीचे हार्ड पैन पाई जाती है, हार्ड पैन, है ना, हार्ड लेयर पाई जाती है, उसको ब्रेक करने के लिए क्या है? सब सॉइलर का प्रयोग किया जाता है। तो कितनी सेंटीमीटर गहराई पे ये कार्य करता है? तो 50 सेंटीमीटर, कितनी गहराई पर? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है? पेग टाइप वीडर इज यूज्ड इन सॉइल, यानी पेग प्रकार का जो वीडर है, खरपतवार वीडर क्या होता है? खरपतवार को कंट्रोल करने वाला, है ना, यंत्र, क्या कहेंगे इसे? पेग प्रकार का वीडर, है ना, वह पेग टाइप वीडर। तो किस मृदा में प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्ले, दूसरा लोमी, थर्ड का ऑप्शन क्या दिया है? ए बी दोनों, तो दोनों में प्रयोग करते हैं, क्ले और लोमी सॉइल में, क्ले और लोमी सॉइल में, ठीक है। तो ये याद रखना, पेग टाइप जो है वो किस में यूज करते हैं? किसमें यूज करते हैं? क्ले और लोमी सॉइल में। नेक्स्ट, अगला सवाल, ग्रीष्मकालीन जुताई से सुधार होता है, समर प्लाविंग इम्प्रूव्स, तो क्या इम्प्रूव करती है समर प्लाविंग? जो समर प्लाविंग मतलब गर्मियों में जो जनवरी नहीं, जून से पहले अप्रैल मार्च वाला महीना, है ना, अप्रैल मार्च वाला महीने में जो जुताई करते हैं समर प्लाविंग कहते हैं। तो क्या इम्प्रूव करता है? सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। क्या स्ट्रक्चर किसको इम्प्रूव करता है? सॉइल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जितने वीड पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? मिट्टी में हम लोग मिला देते हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से, जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो मिनरलाइजेशन हो जाता है ना, तो जिससे क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोयाबीन सीड सोइंग, सोयाबीन की बीज की बुवाई के लिए उचित गहराई कितनी रखते हैं? तो उचित गहराई जो है किसकी बुवाई के लिए? सोयाबीन के लिए कितनी रखते हैं? 3 से 5 सेंटीमीटर, कितने के बीच में? 3 से 5 सेंटीमीटर। चिकपी की अभी सुबह वाली मीटिंग में जो करवाया था उसमें कितना था, चिकपी कितनी रखते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई। ठीक, अगर हम बात करें वीट की, तो वीट की कितनी रखते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर, कितनी 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनकी याद रखना। बाजरा की अगर बात करेंगे तो 1 से 2 सेंटीमीटर। बाजरा कितना बहुत उथला बोते हैं बाजरा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन इज, मूंगफली की खेती के लिए मृदा का उचित पीएच मान होता है। तो मूंगफली की खेती कितने पीएच पे करते हैं, तो 6 से 6.5 के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। देखो मोस्ट ऑफ द क्रॉप है ना, जो मोस्टली जो क्रॉप होती है वो न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करते हैं, जैसे जिनका पीएच होता है 6.5 से 7.5 के बीच। ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्रॉप का पीएच पूछा जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें राइस की, तो राइस कितने पीएच पे ग्रो किया जाता है 4 से 6। और टी जो चाय होती है उसका भी पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है ना, एसिडिक पीएच पे ग्रो की जाती है, उसका भी पीएच 4 से 6 होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन ऑफ मस्टर्ड क्रॉप, सरसों की सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था। नेक्स्ट है ऑप्शन दिया है रोसेट और सिलिकुआ फॉर्मेशन, ए बी दोनों, या सिलिकुआ मैच्योरिटी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी दोनों, रोसेट स्टेज पे और सिलिकुआ फॉर्मेशन। सिलिकुआ का होता है ना, सिलिकुआ क्या होता है, मस्टर्ड के फ्रूट को क्या कहते हैं, सिलिकुआ कहते हैं। ठीक है, शिवम सिंह गुड इवनिंग भाई, चलिए है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी दोनों, ए बी दोनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निपिंग ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड इज ऑक्सिलरी बर्ड्स इन प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस्ड इन, तो शीर्षस्थ कलिका की जो निपिंग की क्रिया है वो किसमें की जाती है। तो कैस्टर दिया है, सनफ्लावर दिया है, सेसम दिया है ना, या नाइजर। तो आंसर क्या होगा कैस्टर, क्या होगा आंसर, इसी में की जाती है निपिंग की प्रोसेस। ठीक है, निपिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो ये मेनली किस लिए की जाती है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की जाती है, कि जो एनर्जी बर्ड की तरफ जा रही थी, जो न्यूट्रिएंट बर्ड की तरफ जा रहे थे, वो कन्वर्ट कहाँ हो जाए, शाखाओं की तरफ हो जाए, है ना, निचली शाखाओं की तरफ। ठीक, इसीलिए ये निपिंग की जाती है। चलिए अगला सवाल, कैस्टर बिलोंग्स टू द फैमिली, क्या अरंडी की फैमिली क्या होती है, जो कैस्टर होती है उसकी फैमिली क्या है, U4BAC। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, इसकी फैमिली क्या है U4BAC। ठीक है, कंपोजिटी किसकी है, सनफ्लावर की, सनफ्लावर सूरजमुखी जिसे कहते हैं। ठीक है, U है यहाँ, SUN होता है ना, सनफ्लावर। ठीक, सनफ्लावर की कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है, एस्ट्रेसी। अगर रोजेसी की बात करें तो रोज होता है इसका। अगर फ्रूट में बात करें तो जैसे एप्पल, एप्पल की फैमिली क्या है, रोजेसी। ठीक, मालवेसी किसकी होती है, मालवेसी हमको पता है कि किसकी होती है, कॉटन की और ओकरा की, है ना, कॉटन और ओकरा की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैस्टर, कैस्टर। ओके, नेक्स्ट, ब्लैक रस्ट इन व्हीट इज ड्यू टू, गेहूं में जो काली गिरवी होती है वो किसकी वजह से होती है, पक्सीनिया ग्रैमिनेस ट्रिट्साई, किसकी वजह से, पक्सीनिया ग्रैमिनेस ट्रिट्साई। ठीक है, और देखो जो ये है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, इससे होती है ब्राउन रस्ट, क्या होती है, ब्राउन रस्ट, भूरी गिरवी। और जो पक्सीनिया स्ट्राई फार्मिस है, इससे होता है येलो रस्ट, क्या होता है, येलो रस्ट। ठीक, और एक चीज और याद रखना, काली गिरवी को स्टेम रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्टेम रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर ब्राउन रस्ट की बात करेंगे तो इसे लीफ रस्ट के नाम से जाना जाता है, लीफ रस्ट। ठीक, और जो येलो है वो होता है स्ट्राइप रस्ट, स्ट्राइप रस्ट। ठीक है, तो तीनों गिरवी याद रखना। ठीक, चलिए अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमिंग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ टोबैको इज फॉलोड इन, जो तंबाकू का कटाई का प्राइमिंग विधि है वो किसमें प्रयोग होती है, तो किसमें होती है, सिगरेट और ब्रैपर में। किसमें, सिगरेट और ब्रैपर, सिगरेट और ब्रैपर। प्राइमिंग देखो क्या होती है, इसमें क्या प्राइमिंग विधि क्या होती है, कि जो मैच्योर लीफ होती हैं उनको रिमूव कर लेते हैं, पहले रिमूव करते जाते हैं ना। तो जैसे जैसे पत्तियां मैच्योर हो जाती है ना, पकती जाती हैं, उसके बाद क्या है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्राइमिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्राइमिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा ये भी दोनों। नेक्स्ट, हर्बिसाइड सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग वीड इन जूट, वीड बीफ्स लिखा है, वीड है ना, वीड्स इन जूट इज जूट फील्ड इज, जूट में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोगी खरपतवारनाशी। तो कौन सा प्रयोग करते हैं भाई, किसका प्रयोग करते हैं, फ्लू क्लोरालिन का करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, फ्लूक्लोरालिन एज ए पीपीआई। पीपीआई क्या होता है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, है ना। क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है कि बुवाई करने से पहले मिट्टी में ये मिला देते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं पीपीआई। बुवाई करने से पहले जो हर्बिसाइड दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ठीक, चलिए चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। अगला सवाल क्या कह रहा है? लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इज, यानी जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है भाई? पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल क्या है? कॉमनली यूज हर्बिसाइड अंडर जीरो टिलेजेस, शून्य भू परिष्करण के समय प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी। जीरो भू परिष्करण सबको पता होगा क्या होता है, बिना किसी जुताई के फसल की बुवाई करना क्या कहलाता है? जीरो टिलेज। क्या कहलाता है भाई? जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज करते समय हम हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे, नहीं तो क्या होता है कि जो हमने प्रीवियस क्रॉप हार्वेस्ट की है तो उसके बहुत सारे वीड जर्मिनेट हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे वीड जर्मिनेट हो जाते हैं जो कि आगे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन में प्रॉब्लम करते हैं और बाकी वेजिटेटिव ग्रोथ पे भी कंपटीशन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। किसका? नॉन सिलेक्टिव का, है ना, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग कर लेंगे। तो नॉन सिलेक्टिव कौन है? पैराक्वाड, डाइकार्ड, दोनों है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जीरो टिलेज में किस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है, कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो नॉन सेलेक्टिव। खड़ी फसल में नॉन सेलेक्टिव क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूरी ये जितनी भी वेजिटेशन होती है वो सबको किल कर देता है ना, तो मेन फसल भी हमारी खत्म हो जाएगी, इसीलिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डाइक्वाइट एंड पैराक्वाइट बोथ। चलिए अगला सवाल क्या है? फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस, रोपड़ धान की फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी क्या है? तो कितनी है? 25% है, बहुत कम है। 25 से 28 के बीच में आती है, 25 से अगर हम बात करें इसकी बैरी की तो 25 से 30 तक जाती है ना, 25 से 30% फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, यानी कि जितना फर्टिलाइजर देते हैं उसमें से पौधा ओनली इतना यूज कर पाता है, 25 से 30%, ठीक है। और बाकी जो फसलों की होती है नॉर्मल, अगर किसी की बात करें तो सबकी जैसे नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जो होती है, अगर फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी की बात करें तो 50 से 60% होती है। कितनी होती है? 50 से 60%। इसकी सबसे कम होती है क्योंकि इसमें जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल क्या है? बेस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी है? लोमी सॉइल है, लोमी सॉइल, क्ले लोमी सॉइल या एबी दोनों? तो क्या हो जाएगा? दोनों। तो दोनों में आसानी से हम गेहूं को उगा सकते हैं, दोनों में आसानी से गेहूं को उगा सकते हैं, लोमी में भी और क्ले लोमी में भी। क्ले लोमी का मतलब क्या है? ऐसी लोम सॉइल जिसमें क्ले ज्यादा हो। लोम सॉइल क्या होता है? देखो ये भी समझ लो, लोम सॉइल क्या होता है? इसमें सैंड पाया जाता है, बालू पाई जाती है, सिल्ट भी पाया जाता है और क्ले भी पाया जाता है, ठीक। तो देखो परसेंटेज में बराबर तो नहीं होते हैं तीनों, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो किस में पाई जाती है? लोम में पाई जाती है। तीनों की प्रॉपर्टी जो है, बराबर प्रॉपर्टी जो है, इक्वल प्रॉपर्टी जो है वो किस में पाई जाती है? लोम में, है ना। तो अगर हम जिसके नाम है, जैसे कि हमने यहाँ क्ले जोड़ दिया, तो जो नाम पहले आता है तो इसका मतलब उसका कंटेंट इसमें ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे सैंड जोड़ दें, सैंड, सैंडी लोम, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंड ज्यादा है। इस ऐसी सॉइल जहां पर सेंड ज्यादा है उसे सेंडी लोम कहते हैं, ठीक है, समझ में आया कुछ। चलिए अगला सवाल क्या है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ मेज, प्लांट पॉपुलेशन ऑफ मेज, है ना। इसमें दिया है प्लांट्स पर हेक्टेयर मक्के के पौधों की संख्या कितनी होती है एक हेक्टेयर में? तो 60 से 70 हज़ार। कितनी होती है एक हेक्टेयर में? 60 से 70 हज़ार पौधे प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 60 से 70 हज़ार प्रति हेक्टेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट भाई कौन है ये? मरियम। एक बात बताइए कितनी फास्ट हो जाए भाई, है ना, आपको ज़्यादा जल्दी है, क्लास ख़त्म होगा तभी नेक्स्ट शुरू होगा, ठीक है। हम चाहें तो 2 घंटे का भी कर सकते हैं इसको। हम चाहते हैं कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। क्वेश्चन सॉल्व करवाने से मतलब कोई नहीं है अगर हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, सिर्फ आंसर बताने से मतलब कोई नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, हम ये भी बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम जो चीज़ें इससे रिलेट करके बता देंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो जिसको जल्दी हो तो वो जैसे कि जो शॉर्ट करना चाहता है तो सब शॉर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है वीडियो को लीव कर दो, है ना, देखना बंद कर दो, सबसे शॉर्ट तरीका है। तो याद रखो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती है ना, बेस बनाने में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है ना, समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखो, बीसीसी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर वालों का कंट्रीब्यूशन रहता है 100 क्वेश्चन का, है ना, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, ध्यान रखिए। ठीक बा, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इज, चने का क्षेत्रफल जो है और उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है भाई, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि जितने भी पल्सेस हैं उनका सबका प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, एमपी में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश। ठीक, बाजरा का कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो राजस्थान। ठीक है, ठीक। एमपी में और किसका सबसे ज़्यादा होता है, सोयाबीन का। ठीक, कपास का बता दिया है, वो जूट का बता दिया है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप अमंग द खरीफ पल्सेस, खरीफ ऋतु की दालों में सबसे अधिक जो है सूखा सहनशील कौन सी होती है, ऐसी फसल जो ड्रॉट को टॉलरेट कर लेती है ना, जिसपे सूखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या ज्यादा समय तक झेल सकती है सूखा को, तो कौन सी है, रेड ग्राम, जिसे कहते हैं अरहर। कौन सी है भाई, रेड ग्राम। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, अरहर सबसे ज्यादा दालों में सबसे अधिक सूखा सहनशील है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें सीरियल की, खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा किसकी होती है या कौन सी सूखा सहनशील फसल है, तो बाजरा। ड्रॉट टॉलरेंट इसमें कौन सी है, बाजरा, जिसे कहते हैं पर्ल मिलेट। क्या कहते हैं भाई, पर्ल मिलेट। क्या कहते हैं, पर्ल मिलेट। ओके, तो पर्ल मिलेट, बाजरा कई नाम है, पर्ल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट या बुलरस मिलेट। ठीक है, तो ये नाम पूछे जाते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीएमओ को पूरा नाम दिया है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन सीड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। टीएमओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1986। टीएमओ, टेक्नोलॉजी मिशन ऑयल सीड की स्थापना कब हुई थी, 1986 में। कब हुई थी भाई, 1986 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमनली ग्रोन पोटैटो स्पीसीज, आलू की सबसे अधिक उगाई जाने वाली प्रजाति, है ना, प्रजाति कौन सी है। सोलिनम पहला दिया, सोलिनम ट्यूबरोजम। पहली बात तो देखो यहाँ पे ये जो दिए है ना, इनको ध्यान से देखना, जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सोलिनम ट्यूबरोजम, है ना। ठीक, तो ऐसे एग्जैक्ट सही होगा क्या, सोलिनम ट्यूबरोजम, इस प्रकार, है ना। लिखते समय अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, तो ये सही लिखा गया है इसका मतलब। ठीक, तो यहाँ पे स्मॉल टी है, ठीक, इतना सभी जहाँ समझ रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रो की जाती है वो कौन सी की जाती है, सोलिनम ट्यूबरोजम। कौन सी, सोलिनम ट्यूबरोजम। बाकी जो है ये ब्रीडिंग पर्पज से प्रयोग की जाती है। ठीक है, बाकी जो है ब्रीडिंग पर्पज से ग्रो की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। चलिए नेक्स्ट, दूध का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ मिल्क। तो दूध का क्वथनांक कितना होता है, 100.17, है ना, 100.17। ठीक है, तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, दूध का। तो ये याद कर लेना, है ना। चलिए अगला सवाल, सल्फर कंटेनिंग विटामिन, सल्फर कंटेनिंग विटामिन, ऐसे विटामिन जिनमें सल्फर पाई जाती है। तो पहला दिया है थायमिन, दूसरा बायोटिन या ए बी दोनों या नॉट। तो सल्फर किसमें पाई जाती, कौन सी विटामिन है, ए बी दोनों, है ना, ए बी दोनों। अब आपका काम ये है कि बायोटिन किस विटामिन को कहते हैं, थायमिन किसको कहते हैं भाई, कमेंट करके बताइए जरा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है, फ्रेशली ड्रॉन मिल्क हैज़ अ पीएच वैल्यू ऑफ, यानी कि ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.5 से 6.5 या 5.5 से 6.7। तो कितना होता है भाई, 6.5 से 6.7। तो ये ताजे दूध का पीएच होता है, कितना किसका होता है, ताजे दूध का पीएच होता है। ठीक है, ठीक है, ताजे दूध का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है वही फसल का प्रयोग करते हैं, तो बरसीम है। साइलेज किसकी सबसे अच्छी बनाई जाती है, बरसीम। तो आंसर क्या हो जाएगा, बरसीम। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलेंट एक्सेलेंट साइलेज का पीएच कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सेलेंट साइलेज का पीएच कितना होता है, तो 3.5 टू 4.2 कितना होता है, 3.5 टू 4.2 ठीक है। और गुड पीएच का कितना होता है, गुड साइलेज का पीएच, गुड साइलेज है ना, अच्छी साइलेज का जो पीएच होता है वो 4.2 से 4.5 ठीक है। तो ये होता है किसका, गुड साइलेज का पीएच। अगर एक्सेलेंट की बात करें तो कैसी होती है, हाईली एसिडिक होती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वजाइना इज, कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है, भाई 42 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 42 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रम ऑफ काऊ, ला लिखा है यहाँ पे, काऊ कर लेना है ना। गाय के दूध में, गाय की कोलेस्ट्रम में कितना कोलेस्ट्रम पाया जाता है, खीस में कितना, कोलेस्ट्रम में कितनी प्रोटीन पाई जाती है ना, तो कितनी पाई जाती है गाय के दूध में, 17.8% कोलेस्ट्रम होता क्या है, फर्स्ट मिल्किंग होती है ठीक है। बर्थ के बाद जो पहला दूध होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 17.8%। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है, द शुगर कंस्टिट्यूट ऑफ द मिल्क इज, दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो सबको पता है ये कि कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज, जो कि क्या है, डाइसेकेराइड है। क्या है, डाइसेकेराइड है ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, क्रैक्ड फीट इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय, मुर्गी के पैरों के फटने का कारण क्या है, किसकी कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन, डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है, एडल्ट मेल ऑफ सीप इज कॉल्ड, वयस्क नर भेड़ को क्या कहते हैं, रैम। क्या कहते हैं भाई, रैम है ना। और अगर हम बात करें फीमेल की, एडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ईव कहते हैं है ना, ईव, ये भी याद रखना। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्या है, मीट ऑफ पिग इज कॉल्ड, सुअर के मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पोर्क। बीफ क्या होता है, काऊ के मांस को कहते हैं क्या, बीफ। मटन किसके कहते हैं, सीप है ना, सीप। और चिवन, किसको कहते हैं, किसके मांस को कहते हैं, गोट के मांस को कहते हैं। चिकन सबको पता होगा, चिकन किसके मांस को कहते हैं, हैन है ना, मुर्गी ठीक है। और बफिन होता है, बुफेलो का मांस, बफिन ठीक है, बफिन होता है किसका, बफेलो, ये भी याद रखना ठीक। चलिए नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर ऑफ बफेलो, भैंस के शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस, कितना 37.5 डिग्री सेल्सियस, कितना 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, प्रोटीन कंटेंट इन सीप मिल्क, भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 5.5%, कितनी होती है, 5.5% ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.5%। नेक्स्ट, मुर्रा इज अ ब्रीड ऑफ, मुर्रा एक नस्ल है, किसकी नस्ल है, किसकी, भैंस की, किसकी है, भैंस की, जो सब भारत में एक ऐसी नस्ल है, ये भारत की एक ऐसी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। इसको याद रखना, इसके बॉडी का कलर कैसा होता है, जेट ब्लैक होता है, कैसा, गहरा काला ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन हाई होता है, हाई मिल्क प्रोडक्शन, और क्या है कलर कैसा होता है बॉडी का, जेट ब्लैक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, नेटिव प्लेस ऑफ जमुनापारी गोट। जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान क्या है, इटावा। कहाँ पे है, इटावा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, तो 1.5% होती है। कितनी, 1.5%। और सिंगल टोन्ड मिल्क में होती है 3%। ठीक है, तो डबल टोन्ड मिल्क में कितनी होती है, 1.5% वसा होती है। कितनी होती है, 1.5%। नेक्स्ट अगला सवाल, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, इडविल पार्ट ऑफ पपाया। पपाया का कौन सा भाग खाया जाता है? पपाया का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मीजोकार्प, मध्य फलवृत्ति। क्या खाया जाता है, मध्य फलवृत्ति। मध्य फलवृत्ति, ठीक है, तो पपाया का कौन सा भाग खाया जाता है भाई, मध्य फलवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फ्रूट टाइप ऑफ लीची। तो लीची के फल का प्रकार क्या है? पहला ऑप्शन है सोरोसिस, कैप्सूल, साइकोनस, या नन ऑफ द एबव। तो इसका क्या होगा, क्या होगा भाई, नन ऑफ द एबव। इसमें कोई नहीं है, है ना। लीची के फल का प्रकार अगर देखा जाए तो क्या है, नट। इसके अलावा लीची के अलावा किसका है, कैश्यू का है। किसका है ये, कैश्यू नट का। ठीक है, याद रखना। ठीक, नवेश बाबू, कैप्सूल कहाँ होता है भाई, नट होता है। चलिए अगला सवाल, येलो कलर ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू। हल्दी के पीले रंग का कारण, तो हल्दी जो होती है वो किसके कारण पीली होती है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्यूरकुमिन, है ना, क्यूरकुमिन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। कैप्साइसिन किसमें पाया जाता है, ये पंजेंसी का कारण है ना, पंजेंसी इन चिली। ठीक है, ड्यू टू कैप्साइसिन। फिर नेक्स्ट दिया है कैरोटीन। कैरोटीन किसमें पाई जाती है, कैरेट में, जिसके कारण वो पीली होती है। क्यूसर्टिन किसमें पाई जाती है, अनियन में, अनियन। ठीक है, देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, कैप्साइसिन वाला। तो याद रखना पंजेंसी जो होती है वो कैप्साइसिन के कारण होती है। और जो रेड कलर होता है चिली का, रेड कलर ऑफ चिली किसके कारण, कैप्सिन, है ना, कैप्सिन। ठीक, तो आंसर यहाँ पे कैप्सिन थिन होगा। अगर पेपर का पूछा जाए, पेपर में चरपराहट किसके कारण होती है, तो ओलियोरेजिन। किसके कारण, ओलियोरेजिन, है ना, ओलियोरेजिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम कंटेंट इन लीची। तो कैल्शियम, लीची में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो 0.2%। कितनी होती है, 0.2% होती है। ठीक है, तो जिनमें कैल्शियम की कमी होती है तभी वो लीची को यूज करते हैं, ठीक है, खाने में। चलिए भाई अगला सवाल, नेक्स्ट, मैंगो बिलोंग्स टू फैमिली। तो क्या क्या होती है, रुटेसी किसकी होती है, रुटेसी होती है किसकी, रुटेसी किसकी फैमिली है, रुटेसी सिट्रस, है ना, नींबू वर्गी। एनाकार्डियसी होती है, आम की फैमिली क्या है, एनाकार्डियसी। ठीक है, एना कार्डियसी। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल, क्या कह रहा है, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है भाई, मैंगो है ना, और तो कोई है नहीं। ठीक, ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट भी इसे कहते हैं। ये क्या है, सदाबहार फलों की रानी लीची, है ना। तो फलों की रानी कौन सी है भाई, कमेंट करके बताइए। फादर सॉरी, क्वीन ऑफ फ्रूट क्रॉप, क्वीन ऑफ फ्रूट क्रॉप। ठीक है, बताओ जरा इसका क्या हो जाएगा, मैंगो। रेगुलर बियरर वैरायटी ऑफ मैंगो। लगातार फल देने वाली आम की कौन सी प्रजातियां हैं? तो लगातार फल कौन कौन सी देती हैं, ए और बी, नीलम और तोतापरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी बौथ। ठीक है, ए बी बौथ। ठीक, ये क्या है? मधुलिका क्या है? ऑफ सीजन वैरायटी है, ऑफ सीजन वैरायटी। निरंजन और मधुलिका, ठीक है, ऑफ सीजन वैरायटी। तो इसको याद रखना। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अनार किस फैमिली का है? अनार किस कुल से संबंधित है? पॉमग्रेनेट बिलोंग्स टू फैमिली मैंगोस्टीन। सोनू कुमारी, अच्छा शिवानी कुमारी, सॉरी, का आंसर सही है। बाकी सब लीची बता रहे हैं, सबका गलत है। वो क्वीन ऑफ, देखो, क्वीन ऑफ एवरग्रीन फ्रूट, एवरग्रीन फ्रूट, सदाबहारी फलों की रानी। तब क्या है? तब क्या लगाएंगे? लीची को लगाएंगे। ठीक है ना? अगर एवरग्रीन नहीं दिया हो तब क्या लगाएंगे? तब मैंगो स्टीन लगाएंगे। ठीक है, मैंगो स्टीन। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गार्सिनिया मैंगो स्टीना। ठीक है, तब आंसर सही होगा। एक ही लोग ने सही दे पाया है, बाकी सब गलत कर दिए। ठीक है, चलो इसकी फैमिली क्या होगी? पुनिकेसी। क्या होगी भाई? पुनिकेसी। ठीक है, पुनिकेसी। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। कैरिकेसी पपाया की, एनाकार्डियेसी भी बता चुके हैं। नेक्स्ट, ऑरिजिन प्लेस ऑफ पॉमग्रेनेट। अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है? ईरान। क्या है? ईरान। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विटामिन सी कंटेंट इन आंवला। आंवले में विटामिन सी होता है, कितना होता है? तो 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितनी विटामिन सी पाई जाती है? 600 मिलीग्राम। सबसे ज़्यादा किसमें होती है? कामू कामू में। कामू कामू अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा, सब सर्वाधिक विटामिन किसमें होती है? तो कामू कामू में। उसके बाद किसमें होती है? बारबिडास चेरी, बारबिडास चेरी, है ना। इसके बाद आंवला में होती है, आंवला। ठीक, इसको याद रखना। चलिए अगला सवाल। रूटेड कटिंग ऑफ ग्रेप्स एंड प्लांटेड इन द मंथ ऑफ। अंगूर की कटिंग जो होती है वो किस महीने में लगाई जाती है? है ना, रूटेड मतलब जिनमें रूट निकल आती है ना, उसके बाद उसे लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो किस महीने में लगाते हैं? तो जनवरी फरवरी के महीने में। किस महीने में? जनवरी से फरवरी के महीने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। अनाब ए शाही। अनाब ए शाही किसकी वैरायटी है? तो ये वैरायटी है किसकी? ग्रेप की। किसकी है? ग्रेप की। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इन एनुअल नेचर। निम्न में बताना एक वर्षी सब्जी। एक वर्षी मतलब जो एक सीजन में जिसकी कटाई, बुवाई और हार्वेस्टिंग हो जाए। ठीक है, एक वर्षी कहलाती है। जिनकी जो अपनी लाइफ साइकिल को एक वर्ष में कंप्लीट कर लेते हैं उनकी क्या कहलाती है? एक वर्षी वेजिटेबल कहलाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? ओकरा, टोमेटो, ब्रिंजल। तो आल हो जाएंगे इसमें, सभी हैं। ठीक है, जितने भी हैं सब क्या दिए हैं? एक वर्षी दिए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ब्रिंजल फ्रूट आर गुड सोर्स ऑफ। बैंगन एक अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का है, विटामिन डी का है, या ई का है, या बी का है? इसका अच्छा स्रोत है विटामिन बी। तो सबसे ज़्यादा जो है बैंगन में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट है लीफ कर्ल वायरस ऑफ टोमेटो। टमाटर का जो लीफ कर्ल रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? ठीक, तो सबको पता है कि जो रोग माइकोप्लाज्मा, है ना, माइकोप्लाज्मा शॉर्ट में है MLO कहते हैं। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो लिख दो माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा और वायरस से जो रोग होते हैं उनको फैलाने के लिए एक वेक्टर की आवश्यकता होती है। किसकी? वेक्टर, वेक्टर, वाहक की जरूरत होती है ना। तो वाहक अलग अलग भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका वाहक? क्या है? एफिड है। क्या है? एफिड। अब देखो इसमें एक चीज़ और बता देते हैं। माइकोप्लाज्मा, जितने जो रोग माइकोप्लाज्मा से होते हैं उनका एक कॉमन वेक्टर होता है लीफ हॉपर। क्या होता है? लीफ हॉपर। अगर आपको पता नहीं है, मान लो हमें नहीं पता, मान लो पूछ लिया कोई भी माइकोप्लाज्मा डिजीज़ है, मान लो पूछ रहा ब्रिंजल जो है, ब्रिंजल में छोटी लिटिल लीफ जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा छोटी पत्ती रोग। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा कीट फैलाता है इसको, तो बस नहीं पता होगा तो इतना याद रख लेना 99% जो होते हैं माइकोप्लाज्मा के वेक्टर वो लीफ हॉपर भी होते हैं, तो लीफ हॉपर लगा देना, ठीक है। तो लीफ हॉपर, ठीक। और मोस्टली 70% वायरस ट्रांसमिट होते हैं, 70% वायरस ट्रांसमिट होते हैं एफिड के द्वारा। ये इसकी ट्रिक है, मान लो जिसका नहीं पता उसका एफिड लगा दो, ठीक है। ये तुक्के मारने की वो बता रहे हैं, और तुक्का देखो हमेशा BC में मारा करो, है ना। लगभग क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो B या C होते हैं, ठीक है। अगर जिसको तुक्का मारना है वो BC मारे, ठीक। चलिए, मेजर पेस्ट ऑफ कोकरा, भिंडी का मुख्य कीट क्या है? तो देखो C इसका है, तुक्का भी मारोगे तब भी हो जाएगा, फ्रूट बोरर, ठीक है। क्या है? फ्रूट बोरर, फली वेदक। वैसे भाई तुक्का नहीं मारना, क्योंकि साल भर जो मेहनत करते रहते हैं, है ना, उनको तुक्का तो कतई नहीं मारना चाहिए। तुक्का उनको मारना चाहिए जो बस आजमाने जा रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, अर्कालोहित किसकी प्रजाति है? अर्कालोहित किसकी है भाई? चिली की प्रजाति है। ये किसकी है? चिली की। तो आंसर क्या हो जाएगा? C, ठीक है। मिर्च की प्रजाति है कौन सी? अर्कालोहित। चलिए नेक्स्ट सवाल, नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट, गेहूं की सामान्य बीज दर कितनी लेते हैं? कितनी? 100 किलोग्राम, ठीक। अगर हम गेहूं को लेट पछेती बुवाई कर रहे हैं या प्रॉब्लमेटिक सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक मतलब जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे साल्ट अफेक्टेड सॉइल, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में ग्रो कर रहे हो, या हम किसको गेहूं को ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बो रहे हो, छिटकवा विधि से, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, छिटकवा विधि से, तो सीड रेट कितनी लेंगे? 125 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि लेट प्रॉब्लमेटिक सॉइल, और जब हम सीड को ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बोते हैं, छिटकवा विधि से बोते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, 20 से 25% सीड को इंक्रीज कर दिया जाता। तो अगर आप कंडीशन दी हो लेट बुवाई की तो 125 लगाते, ठीक है। सामान्य दी है तो 100 लगाएंगे, ठीक। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीजन कंटेंट इन अर्थ क्रस्ट इज अबाउट, भू परपटी में ऑक्सीजन की मात्रा। इससे रिलेटेड BHM क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्वेंस लगाने को आया था कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, उसी ऑर्डर में, है ना, बढ़ते से घटते क्रम में। तो इस प्रकार उसमें सही था, ये जो सीक्वेंस था ये इस प्रकार सही था उसमें, ठीक है। ये सीक्वेंस था उसमें, ठीक, ये सही था। यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाई जाती, भूपर्पटी में कितनी? 47.02%। तो यही क्वेश्चन जो था वो किसका था? तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद क्या पाई जाती? सिलिका कितनी? 36%। फिर इसके बाद एल्युमिनियम लगभग 27%, इसके बाद आयरन 8.25%, ठीक है। तो इस प्रकार जो है परसेंटेज है इसका। चलिए अगला सवाल क्या लिया है? हाईएस्ट एसिडिक सॉइल, एसिडिक लिखा है, अम्लीय मृदा, है ना, फाउंड इन, तो सबसे अधिक अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है? असम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या यूपी? तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सेकंड। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप इज, सबसे अधिक लवण सहनशील फसल कौन सी है? तो सबसे अधिक लवण सहनशील कौन सी है? सभी हैं भाई, है ना, सभी लवण सहनशील हैं, ऑल। सुगर बीट भी है, ढेंचा को भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल में उगा सकते हैं आसानी से, और बारले को भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कौन कह रहे हैं भाई? प्रवीण कह रहे हैं असम होगा एसिडिक सॉइल। हाँ, ये कह सकते हैं कि असम का 98% एरिया जो है, मान लो, देखो एक एग्जाम्पल बता देते हैं हम आपको, एक समझा देते हैं, इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो हमारे पास 1 हेक्टेयर भूमि यहाँ है, ये कितनी है? 1 हेक्टेयर। ये किसान है एक, है ना, एक किसान के पास कितनी है? 1 हेक्टेयर, ठीक। ये किसान है B, जिसके पास है 5 हेक्टेयर, कितनी? 5 हेक्टेयर भूमि, ठीक। अब हम यहाँ पे कहें इसकी जो सॉइल है वो पूरी जितनी सॉइल 1 हेक्टेयर पाई जाती वो कैसी है? एसिडिक है, यानी pH है उसका 4 से 6, ठीक। अब अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि ये जो B किसान है यहाँ पर जो 4 हेक्टेयर है एरिया उसका एसिडिक है, और 1 हेक्टेयर क्या है? एसिडिक नहीं है, यानी इतना जो एरिया है वो क्या है? एसिडिक। तो आप ये बताइए इसमें से कौन सा चूज करेंगे कि एरिया किन के पास ज्यादा है? B के पास ज्यादा है, वैसे ही केस है वहां पे। तो वेस्ट बंगाल में एरिया ज्यादा है, तो इसको देखते हुए वहां पे एरिया ज्यादा एसिडिक है, ना। अगर परसेंटेज में देखें कि 98% जितना एरिया उसका 98% एसिडिक है, लेकिन एरिया उसके पास टोटल एरिया कम है, ना, ठीक है, टोटल एरिया कम है भाई, इस चीज को समझो। चलिए अगला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन सॉयल। तो पहले ईसी जो है वो सैलाइन सॉयल की विद्युत चालकता कितनी होती है, तो 4 से अधिक होती है। कितनी होती है? 4 से अधिक होती है। अगर हम सोडिक सॉयल की बात करें, सोडिक सॉयल की बात करें तो इसकी होती है 4 से कम। इसकी यूनिट क्या होती है ईसी की? ईसी की यूनिट याद रखना क्या होती है, एमएमओस पर सेंटीमीटर। क्या होती है? एमएमओस पर सेंटीमीटर या डेसी साइमन पर मीटर। ठीक है, डेसी साइमंस पर मीटर ये होती है किसकी यूनिट? ईसी की यूनिट। कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये कैलकुलेट करते हैं? रूम टेम्परेचर, यानी 25। ठीक है, गुड इवनिंग भाई जितेंद्र कुमार। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन की पहली अवस्था क्या है? जल क्षरण की प्रथम अवस्था। तो क्या है, स्प्लैश इरोजन को ही फर्स्ट स्टेज कहते हैं, या इसका अन्य नाम, एक नाम और है रेन ड्रॉप इरोजन, है ना, क्योंकि ये किसके द्वारा होता है? रेन ड्रॉप के द्वारा होता है। रेन ड्रॉप इरोजन क्या होता है? ये स्प्लैश इरोजन क्या होता है? बीटिंग एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप, बीटिंग एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप, है ना, रेन ड्रॉप। जैसे कि ऊपर से जो बूंद आती है वर्षा की, तो वो अगर बड़ी है तो बहुत तेजी से, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तेजी से गिरेगी, है ना, तो जितनी फोर्स से, जितनी तेजी से गिरेगी उतनी जल्दी पार्टिकल को क्या करेगी? डिटैच करेगी, है ना। तो पार्टिकल जो है वैसे यहाँ पाया जाता तो छिटक के कहाँ पहुँच जाता अलग, तो ये इसी को कहते हैं स्प्लैश इरोजन। इसके बाद कौन सा होता है? इसके बाद कौन सा होता है भाई? सीट इरोजन। इसके बाद कौन सा सेकेंड स्टेज क्या है? सीट इरोजन। थर्ड स्टेज क्या है? रिल इरोजन। और फोर्थ स्टेज क्या है? गली इरोजन, है ना। तो रिल की अगर आपसे पूछा जाए एडवांस स्टेज ऑफ सीट इरोजन इज कॉल्ड रिल इरोजन, और रिल इरोजन की अगर पूछी जाए एडवांस स्टेज कौन सी है तो गली इरोजन। एडवांस स्टेज का मतलब है इसमें रिल्स छोटे छोटे बनते हैं ना, छोटी छोटी दरारें पड़ती हैं, तो जब ये बढ़ती जाती है तो एक गली में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट हो जाती हैं? जब इनका साइज 30 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। रिल्स का साइज कितना? 30 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है तो उसको गली बोलते हैं। ठीक है, तो एडवांस स्टेज ऑफ गली इरोजन इज कॉल्ड रेवाइन इरोजन। ठीक है, ये एक चेन है, जब आप इरोजन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। ठीक है, चंदन राय गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना, ये बीएचयू में इस बार पूछा गया था। तो सीक्वेंस अगर बात करें तो इरोजन दो प्रकार का होता है, देखो, नॉर्मल और एसेलरेटेड। जितने ये टाइप हैं वो एसेलरेटेड के। नॉर्मल जो इरोजन होता है वो अपने आप, जैसे कि हवा चल रही है थोड़ी बहुत, उसकी सहायता से ये होता रहता है। तो जितने सॉइल बनती है उतनी इरोजन होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार सीक्वेंस दिया था, नॉर्मल इरोजन पहले होगा, इसके बाद कौन सा होगा? स्प्लैश होगा, स्प्लैश। ठीक है, ये सीक्वेंस दिया था, स्प्लैश, हाँ, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, इसके बाद कौन सा होगा? सीट, फिर इसके बाद रिल, इसके बाद कौन सा होगा? गली, इसके बाद कौन सा होगा? घटते नहीं है, ज्यादा मात्रा में, है ना, तो ये सीक्वेंस है। इसके बाद कौन सा होगा? रिवाइन इरोजन। ठीक है, रिवाइन इरोजन, ये सीक्वेंस पूछा था बीएचयू में। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? दिस ऑरिजिन प्लेस ऑफ सेस्वेनिया रोस्ट्राटा। ये एक ढैंचा की स्पीसीज है, रोस्ट्राटा, है ना, वैसे ढैंचा का वैज्ञानिक नाम होता है सेस्वेनिया एक्यूलेटा। तो इसका ऑरिजिन प्लेस पूछा गया है, तो कहाँ पे है इसका ऑरिजिन प्लेस? अफ्रीका। कहाँ पे भाई? अफ्रीका। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो सेस्वेनिया रोस्ट्राटा क्या होती है, पहचान क्या होती है या मेन कैरेक्टर क्या होता है? ये क्या है? स्टेम नोडुलेटिंग क्रॉप है, नोडुलेटिंग क्रॉप। क्या इसके स्टेम में भी क्या पाए जाते हैं? नोडुल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नोडुल। ठीक है, तभी ये पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक, चलिए अगला सवाल दिया है, नाइट्रोजन परसेंटेज एंड अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 33%। कितना? 33%। तो याद रखना 50% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें अमोनिकल फॉर्म में, और 50% जो है वो पाई जाती है इसमें नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक, आधी आधी पाई जाती है, या कह सकते हैं नाइट्रोजन जो है उसमें नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों रूप में पाई जाती है। कितनी? 50-50। तो इसका 50% कितना हुआ? 16.75%। यही तो हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल, P2O5 कंटेंट एंड DAP। P2O5 कंटेंट एंड DAP। DAP में P2O5 की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई बताओ, इसको बताओ। डीएपी में इसका, डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट। कितनी होती है? 46%। ठीक, नाइट्रोजन कितनी होती है? 18%। ये होती है नाइट्रोजन। अब देखो, अगर मान लो पूछ लिया, यहाँ पे दिया P2O5, अब अगर मान लो हम यहाँ हटा के इसको लिख दें P, तब बताओ कितनी होगी? तो देखो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर होता है अगर हमें P2O5 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P में कितने गुणा करेंगे 2.29 का, कितने का 2.29 का। अगर हम P को निकालेंगे किससे P2O5 से, तो P2O5 इंटू 0.43, ये होता है कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना लिखा क्या है ये देख लेना। ठीक, तो अगर हम P में देखेंगे तो P में कैसे निकालेंगे, तो P2O5 में कितने का 0.43 का गुणा कर देंगे, यानी कम बहुत कम हो जाएगी इससे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, याद रखना। पोटास का भी अगर नोट करना चाहो तो लिख लो, पोटास का कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ये है K2O, K बराबर K2O इंटू 0, हाँ सही है 0.83। ठीक है, तो ये K2O का है, तो दोनों नोट कर लेना भाई। ठीक, दोनों नोट कर लेना। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइजोबियम स्पीसीज यूज्ड इन पी, निम्न में से कौन सी राइजोबियम प्रजाति मटर में प्रयोग होती है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। कौन सी होती है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ट्राइफोली किसमें होती है, बरसीम में, बरसीम। ठीक, और राइजोबियम जैपोनिकम, जैपोनिकम, ये किसमें होती है सोयाबीन में, ये किसमें होती है सोयाबीन में। ठीक, और इसके अलावा देखो जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है वो किस किस में यूज होती है, पी ये तो दिया है, लेंटिल, इसमें भी होती है लेथायरस, लेथायरस खेसारी जिसे कहते हैं, लेथायरस, लेथायरस है ना, ये इसमें यूज होती है। मिलीलोटी जो है मिलीलोटस में है ना, मिलीलोटस हलवा। फेजियोली बात करें तो अरहर है ना, मूंग, अरहर, मूंग और लोबिया इसमें यूज होती है। ठीक है, तो इनको रट लेना है एकदम। ठीक, चलिए अगला सवाल, बड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट, बड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट, जो बड नेक्रोसिस डिजीज है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, बड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट है ना, किसकी वजह से, कौन सा कीट फैलाता है, थ्रिप्स, वायरस के द्वारा होता है। तो वायरस को फैलाने के लिए वेक्टर चाहिए, तो कौन सा वेक्टर है, थ्रिप्स है ना, थ्रिप्स टेबेसाई। विच इज द बेस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर बी कल्चर, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयोगी प्रजाति कौन सी है, एपिस मेलीफेरा, मेलीफेरा कौन सी है, एपिस मेलीफेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, एपिस मेलीफेरा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रोमाडियोलोन, ब्रोमेडियोलोन, डियोलोन इज एन इफेक्टिव, ब्रोमोडियोलोन क्या है, एक दवा है, पेस्टिसाइड है, जो कि किस में प्रयोग होती है, किसके रूप में, पहला ऑप्शन है फंजीसाइड, कवकनाशक के रूप में, या कीटनाशक, या हर्बिसाइड जिसे खरपतवारनाशी कहते हैं, या रोडेंटिसाइड है ना। तो रोडेंट को किल करने के लिए जो दवा यूज होती है उसको कहते हैं रोडेंटिसाइड, उसका नाम क्या है, ब्रोमाडियोलोन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इन राइस गंदी बग है ना, गंदी बग, गंदी बग आई है यहाँ है ना, गंदी बग इज कॉज द डैमेज ऑफ डैमेज एंड द स्टेज, धान में गंदी बग जो है वो किस अवस्था पर लगता है ना, गंदी बग क्या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लेप्टोकोरिसा, लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस, वेरिकॉर्निस है ना। तो किस स्टेज पे अफेक्ट करता है, तो मिल्किंग स्टेज पे, किस स्टेज पे, मिल्किंग स्टेज पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल, द पेस्ट विच अटैक, द पेस्ट विच अटैक ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ, वह कीट जो पौधों के सभी भाग पर आक्रमण करता है। तो इसको तो भाई देख के ही लगा दोगे ना। पहला दिया है टर्माइट BLH है ना, नेक्स्ट दिया है व्हाइट फ्लाई, फोर्थ दिया है बटरफ्लाई। देखो ये बहुत इजी है, बताओ भाई क्या है इसका, पौधे के सभी भागों में कौन अटैक करता है, इसमें कौन लग रहा है, टर्माइट क्या कहते हैं, दीमक कहते हैं भैया ना, दीमक। आंसर क्या हो जाएगा, तकीर्ति राज, ए, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं का आंसर आया है, तो यही आंसर सही है ना। टर्माइट, दीमक भाई किसी को भी लिग्निन तक में ये लिग्निन तक को फीड कर जाती है। लिग्निन जबकि डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी, है ना। टर्माइट तो सभी भागों में क्या है, अटैक करती है ये पौधे के। तो क्या हो जाएगा, टर्माइट। कंट्रोल कैसे करेंगे, मान लो वीट में टर्माइट लग गया, है ना। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, साधारण कंट्रोल है, एक सिंचाई कर देंगे। सिंचाई कर देंगे तो सभी जो है टर्माइट मर जाती है। चलिए नेक्स्ट, मोनोक्रोटोफास इज अ। मोनोक्रोटोफास क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है। क्या है, इंसेक्टिसाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, एंटोन डीवेरी। एंटोन डीवेरी को पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है, पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए ओके चलिए अगला सवाल, पपाया मोज़ेक वायरस। पपाया का जो मोज़ेक होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, वायरल डिजीज है ये। क्या है, वायरल डिजीज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वायरल। ओके चलिए अगला सवाल, आयरिस फेमाइन इन आयरलैंड अकर्स ड्यू टू। आयरिस फेमाइन जो है वो आयरलैंड में कब आया था, 1845 में आया था, ठीक है। वो किसकी वजह से आया था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस की वजह से। किसकी वजह से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ये क्या है, ये कौन सा रोग करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, है ना। इसकी वजह से लगभग 20 लाख लोग भूखमरी से मर गए थे, स्टारवेशन से, है ना, भूखमरी। किसकी वजह से, लेट ब्लाइट की वजह से, ठीक है। चलिए ओके अगला सवाल, बंगाल फेमाइन किसके कारण आया था, बताइए भाई, बंगाल फेमाइन। चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया। भारत में कवक विज्ञान के पिता, भारत में कवक विज्ञान के पिता कौन है, ईजे बटलर। कौन है भाई, ईजे बटलर, ठीक है। तो आंसर क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट, फिलोडी डिजीज ऑफ सेसमम इज ड्यू टू। फिलोडी डिजीज जो है वो सेसमम का किसकी वजह से होता है, तिल का किसकी वजह से होता है, तो माइकोप्लाज्मा के MLOS, ये लिखा है MLO, है ना, माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और किस के द्वारा फैलता है, तो अभी बताया था माइकोप्लाज्मा लगभग जो है वो किसके द्वारा फैलते हैं, लीफ हॉपर के द्वारा। किसके द्वारा, लीफ हॉपर के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, MLO, ठीक। अगर पूछा जाए कि तिल की फैमिली क्या है, तो तिल की फैमिली याद रखना पेडालिएसी। क्या है, पेडालिएसी। ओके चलिए अगला सवाल, करनाल वंट डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। करनाल वंट जो रोग है वो प्रथम बार कब खोजा गया था, तो कब खोजा गया था, 1931 में। 1931 में, ठीक है। किसने खोजा था, मित्रा एटाल। एटाल मतलब मित्रा के और भी साथी थे। कब, 1931 में, ठीक है। इसे ये वीट का रोग है, करनाल वंट, निवोसिया इंडिका नामक फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निवोसिया इंडिका। किसके द्वारा, निवोसिया इंडिका के द्वारा, ठीक। ये कारक हो गया, फंगस है। और दूसरी चीज है, इसे कैंसर ऑफ वीट भी कहा जाता है। कैंसर ऑफ वीट, गेहूं का कैंसर। कौन सा है, करनाल बंट। दूसरी चीज, इसमें फिशी स्मेल आती है, मछली जैसी, तो वो किसकी वजह से आती है, ट्राई मिथाइल एमीन की वजह से। ट्राई मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन की वजह से, ठीक है। और इस रोग को पार्शियल बंट के नाम से भी जानते हैं, पार्शियल बंट, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, लगभग इन्फॉर्मेशन यही है इसकी, ठीक है। तो इसको एकदम लिख लेना। चलिए अगला सवाल, अर्गट डिजीज इज रिलेटेड टू। अर्गट जो होता है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस नामक फंगस से होता है। किसमें होता है, बाजरा में होता है, ठीक है, अर्गट। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ स्टेलिटी मोज़ेक इन पिजन पी। अरहर का नर बंद मोज़ेक को फैलाने वाला कीट, तो कौन सा फैलाता है, इरूफिड माइट फैलाती, ठीक है, एसेरिया केजानी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एसेरिया केजानी, ठीक है। एसेरिया केजानी के द्वारा स्टेलिटी मोज़ेक फैलता है, ठीक, इरूफिड माइट के द्वारा। इसे ग्रीन प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन प्लेग। ओके, इसे ग्रीन प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन प्लेग डिजीज किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा। फैलाता कौन है, रूफिड माइट, ठीक। ओके चलिए अगला सवाल, टिक्का डिजीज एसोसिएटेड विद। टिक्का जो रोग है वो किससे संबंधित है, टिक्का रोग किसमें होता है, ग्राउंड नट में होता है, ठीक। इसका भी सुन लो, इसकी भी कहानी सुन लो। इसे लीफ स्पॉट के नाम से जानते हैं, लीफ स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है? कॉज्ड बाई फंगस, फंगस है ना। तो दो तरह के फंगस अफेक्ट करते हैं, अर्ली और लेट, अर्ली और लेट। ठीक, अर्ली किसके, अर्ली के फंगस का नाम क्या है? सर्कोस्पोरा RHD कोला नामक फंगस से होता है। अगर लेट की बात करें तो सर्कोस्पोरा परसोनाटा नामक फंगस से होता है। ठीक है, परसोनाटा, परसोनाटा। ठीक है, टिक्का डिजीज को लीफ स्पॉट भी कहते हैं, फंगस का कारण है। अर्ली लीफ स्पॉट के फंगस का नाम है सर्कोस्पोरा RHD कोला, लेट का क्या है? सर्कोस्पोरा परसोनाटा। ठीक, चलिए अगला सवाल। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को साइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्रोमीटर। एक चीज़ और याद रखना, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? रूट प्रेशर, जो कि BHU में इस बार पूछा गया था। ठीक, लाइसीमीटर से क्या मापते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ET। ठीक, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जब साथ में इवेपोरेशन भी हो सॉइल से और ट्रांसपिरेशन प्लांट से हो, तो दोनों के कंबाइंड लॉस को क्या कहते हैं? ET कहते हैं। और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन जिसे PET कहते हैं शॉर्ट में, PET है ना। इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल कंडीशन में मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन कितना होता है? यही कहलाता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नॉर्मल साइज ऑफ रेन ड्रॉप, बूंद, वर्षा की बूंद का आकार होता है, एवरेज आकार कितना होता है? तो 0.5 mm से अधिक होती है। अगर वेरी की बात करें तो इतने के बीच में होती है। ऑर्डिनरी रेन ड्रॉप का जो साइज होता है वो 0.5 से 4 mm के बीच होता है। अगर बूंद का साइज 0.5 mm से कम है तो ये रेन कंसीडर नहीं की जाएगी। क्या कंसीडर किया जाएगा? ड्रिजल। क्या कंसीडर किया जाएगा? ड्रिजल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ओके, अगला सवाल क्या है? ए वैल्यू कॉन्सेप्ट गिवन बाई, ए वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? फ्रेड एंड डीन ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेड एंड डीन 1952 है शायद, है ना। तो किसको मेजर करते हैं ए वैल्यू के द्वारा? फास्फोरस को, है ना। फास्फोरस को मेजर करने के लिए ए वैल्यू से ही कैलकुलेट करते हैं। अवेलेबल फास्फोरस इन सॉइल दिया किसने था? फ्रेड एंड डीन ने। तो L एक होती है L वैल्यू लार्सन ने दी थी। ठीक है, उसमें भी अवेलेबल लेवाइल फास्फोरस देखते हैं, है ना। लेवाइल फास्फोरस का मतलब है सॉल्युबल फास्फोरस और सरफेस फास्फोरस, जी कितनी सॉल्युबल है और सरफेस पे कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो वो L वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये लार्सन ने दी थी। ठीक, एक है E वैल्यू। ठीक है, तो वो पूछी नहीं जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ऑरिजिन प्लेस ऑफ मेज, मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? मैक्सिको। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट। क्रॉप हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, क्रॉप जो किस फसल का सबसे अधिक क्षेत्र फल सिंचित है? तो किसका है? वीट का है ना। किसका सबसे अधिक क्षेत्रफल है? वीट का। इसका सबसे ज्यादा क्या है? रेनफेड कंडीशन में ये ग्रो किया जाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्रॉप इज सुटेबल फॉर हैविंग pH 4 to 6, अभी बताया था। राइस को भी ग्रो कर सकते हैं आसानी से, टी को भी और पोटैटो को भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। वह फसल जिसके लिए 4 से 6 pH की आवश्यकता होती है, तो वो कौन कौन सी है? राइस, टी और पोटैटो। ठीक, चलिए अगला सवाल। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, है ना, सुनहरी क्रांति के पिता, बताइए भाई, सुनहरी क्रांति के पिता। कौन है? KL चड्ढा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्वामीनाथन जी नहीं है, शब्द दिया था इन्होंने। चलिए अगला। हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया? कटाई सूचकांक तो डोनाल्ड ने दिया। ठीक है, इसको याद कर लेना, डोनाल्ड। इनने एक टर्म और दिया था जिसे कहते हैं मॉडर्न प्लांट या आइडियोटाइप, आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट, आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट। आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? आइडियोटाइप का मतलब क्या है कि एक पौधे के क्या कैरेक्टर होने चाहिए एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ग्रो होने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। CO2 कंटेंट इन एटमोस्फियर इज अबाउट तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। कितनी होती है, 0.03%। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में 10 गुना होती है, 0.3% सॉइल में होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला सवाल, 1 क्यूसेक वाटर इज इक्वल टू, 1 क्यूसेक वाटर कितने के बराबर होता है, तो 35 लीटर के बराबर, सॉरी 28.3 लीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 28.3 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन कंटेंट इन ग्राम इज अबाउट, तो प्रोटीन कितनी पाई जाती है ग्राम में, 21.1%। कितनी पाई जाती है, 21.1%। ठीक है, 21.1%। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, सेसमम बिलोंग्स टू फैमिली, है ना, सेसमम की फैमिली क्या है, तिल की, तो अभी बताई थी, क्या है, पेडालिएसी, है ना, क्या है, पेडालिएसी। मालवेसी हमें पता है कॉटन और ओकरा की फैमिली होती है। टिलिएसी जूट और फालसा की फैमिली है, टिलिएसी जूट और फालसा की फैमिली है ना। फालसा क्या है, फ्रूट है। सोलनेसी सबको पता है। चलिए नेक्स्ट, क्रोमोजोम इन पैडी, क्रोमोजोम नंबर इन पैडी, धान में जो है क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। एक चीज़ और याद रखना, जो टोटल स्पीसीज हैं वो धान की कितनी है, 24, जिसमें से 22 जो है वो वाइल्ड हैं, जंगली हैं, और 2 की क्या की जाती है, खेती की जाती है, ओराइजा सटावा और ग्लेबेरिमा की। ठीक है, 2 कल्टिवेटेड हैं, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट, निपिंग इज रिलेटेड टू, निपिंग क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बड। किस लिए करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी बड की तरफ जाती है उनको कन्वर्ट किस में हो जाती है, लेटरल ब्रांचेस में हो जाती है। तो इसीलिए इसमें किस क्या की जाती है, निपिंग या टपिंग की जाती है। ठीक है, तो ग्राम में अगर हम बात करें तो बुवाई के लगभग 30 से 40 दिन बाद की जाती है ना, या केमिकल इसमें यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं टीवा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ठीक है, कितना, 75 ppm। या तो इससे कर सकते हैं, या तो फ्लॉक ऑफ सीप, है ना, फ्लॉक ऑफ सीप के समूह के द्वारा कर सकते हैं। कॉटन में जो टपिंग की जाती है, निपिंग की जाती है, वो की जाती है बुवाई के 80 से 90 दिन बाद, 80 से 90 दिन बाद। या इसमें प्लानो फिक्स स्प्रे कर देते हैं, क्या, प्लानो फिक्स। ठीक, और कैस्टर में भी निपिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर चौथा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, इसके बाद होगी फिजिक्स की क्लास।